के अवेज में आफ्टर सो मच टाइम स्टेइंग होम एंड नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय लाइफ तो हमको एक अर्ज होती है स्प्लर्ज होता है एक्साइटमेंट बैक टू अवर हमड्रम रूटीन्स एपेटाइज एपेटाइट टू इम्पल्सिवली स्पेंड मोर देन वी विजुअली वुड इज़ नॉन एज रिवेंज शॉपिंग कि आप भी रिवेंज शॉपिंग करते हो या रिवेंज ट्रैवल करते हो रिवेंज ट्रैवल और टूरिज्म ये एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें मंडेन रूटीन से हटके यानी न्यू नॉर्मल करने की ट्राई में जैसे कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन फटीग और एग्जोसन होने के बाद मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकलने के लिए हम रिवेंज ट्रैवलिंग करते हैं तो वो एक लीजर ट्रैवल होता है जो एक हम पिछले दिनों में या सालों में जो ट्रैवल नहीं कर पाए उसकी वजह से हम ज़्यादा ट्रैवल करने लगते हैं अब एक्चुअली रिवेंज जो शब्द है वो खुद में ही नेगेटिव वर्ड है जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स या समानार्थी है and yes spending more than usual after a restricted time like pandemic is revenge spending revenge spending is actually a negative thing it results in pressure financial distress wealth gap and uncertainty in consumption it's a result of mental health issue and psychological issue just take care of yourself of your spending and please share this video to your family friends and let them know about revenue spending